गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हेलो एवरीबॉडी सो लेट स्टार्ट विद चैप्टर फोर टुडे चैप्टर फोर का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ व्हाट वी विल डिस्कस हियर वी विल सी सिंस हिस्ट्री पहले किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज होती थी इन शॉर्ट पहले पॉलिसी नाम का कोई मैटर था भी या नहीं सो दैट हिस्ट्री वी हैव हियर छोटा सा डिस्कशन है उसपे देन आफ्टर देअ आर दे हैव फोकस्ड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ एंड मोर स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग आवर डिस्कशन हियर द पॉलिसीज विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ ओके बिजनेस को ग्रो करना है तो गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी सो फार है लेट्स सी लेट बिगिन चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे फोर पॉइंट टू इज दॉइंट टू यू हैव बिन गिवन समराइज्ड व्यू दैट्स चैप्टर ओवर व्यू देन हम इसको आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पे आते हम सीधा चलो इंट्रोडक्शन विल सी रमन वॉज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड ही डेवलप्ड एन एप बेस्ट सोल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स अली हिज फ्रेंड वॉज अज सी ए चार्ट अकाउंटेंट रैंक होल्डर्स पूरे इंडिया में उसका रैंक आया है ओके अली हर थ्री ऑफर्स अली के पास तीन ऑफर्स थे हिज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्राम टू बिग ऑडिट फॉर्म्स एंड फ्रॉम अ कंसल्टिंग कंपनी यानी कि उसके पास दो जॉब के ऑफर्स थे फ्रॉम ऑडिट फॉर्म्स एंड एक कंपनी का भी ऑफर था Raman understands technology. Raman is a computer science. He understands technology, but he does not know finance law, government policies. Definitely, yet is our area. Hai bhai. On the other hand, Ali has no exposure to technology. Ali, chartered accountant, not really aware of the technology, but he understands the patent law, IPR, that's intellectual property rights law, GST.

फाइनेंस फील्ड से है इज इज अ चार्टर अकाउंटेंट फाइनेंस वाले को अपना नॉलेज है टेक्नोलॉजी वाले को अपना नॉलेज है बोथ इफ कम टुगेदर एंड इफ दे फॉर्म अ बिजनेस डेफिनेटली अ न्यू एरा न्यू क्या बोलते हैं हम उसको ऑल टुगेदर दे विल हैव न्यू प्रायोरिटीज दे विल हैव न्यू पिच फॉर अरेंजिंग फंड फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट लीगल प्रोसेस टैक्स पॉलिसीज बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनिय नेशन फॉलोज़ फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज नेचुरली गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सीन ए क्वानॉन फॉर ऑल स्पियस ऑफ द इकोनॉमी सीन ए क्वानॉन दैट इज नेरी लिख लो वहां पे और इसको इंटरप्रिट कर लो नेसेसरी वर्ड लिख लो वहां पे सो वॉट इट मीन्स

This is the name of the company. This steers this policy to their favor. Second-hand Toyota cars are sold in numbers through Toyota approved dealers in Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh. You might be aware. So what the क्या है अभी देखो example क्या दिया है कि जो ये government policy है इसका impact कैसे चलता है? Bangladesh में allowed है second-hand foreign cars आके लोग मतलब बाहर के लोग आके Bangladesh में second-hand cars बेच सकते हैं टोयटा कंपनी ने इसका फ़ायदा उठा लिया कैपिटल है कंट्री uh, का ढाका वहाँ पे सेंटर बना दिया टोयटा uh, ने एंड दे आर सेलिंग दिस टोयटा कार्स रिफर्ब्रिश्ड कार्स कलेक्टेड फ्रॉम बाय बैक्स कीम आर सोल्ड इन ढाका मार्केट टोयटा कंपनी क्या करती है यू एस ए या और जहाँ जहाँ कंट्रीज में दे आर सेलिंग देयर कार्स वहाँ से ओल्ड कार्स दे ब्रॉड इट इन ढाका अच्छा उसको रिफर्ब्रिश्ड यानी यू नो पॉलिश स्पेयर्स वगैरह चेंज कर दो नया बना दो उसका सो ऐसे करते थे सेकेंड हैंड कार्स को एंड दे आर सोल्ड इन द मार्केट टोयटा मैनेजर्स सेवरल सॉरी टोयटा मैनेजेस सेवरल सर्विस स्टेशन इन द सिटीज ऑफ ढाका चितगोंग एंड राजशाही टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज थ्री प्लेसेस दे प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो ओके ऑन द कंट्री इन इंडिया एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी

To form a wholly owned Indian subsidiary. Subsidiary, you can assume here company. They will have to form Indian company or they will have to enter into a joint venture with Indian company. Toyota manufacture cars in India as a joint venture with Kirloskar Motors. Isko yaad rakna hai humko, hai? So we'll underline this. Toyota ek, kam karte mein, isko arrow kar hu. Toyota manufactures as a joint venture with किर्लोस्कर मोटर्स यह एक कंपनी का नाम है किर्लोस्कर मोटर किर्लोस्कर मोटर का और टोयोटा का जॉइंट वेंचर है अंडर दिस टोयोटा कार्स आर सोल्ड दो एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझ में आ गया Uh, एक बांग्लादेश का दिया है दे हैव एक्सप्लेन कि हर गवर्नमेंट की कंट्रीवाइज पॉलिसीज आर चेंज लाइक इन बांग्लादेश सेकेंड हैंड कार्स आर सोल्ड इन द मार्केट बट इन इंडिया सेकेंड हैंड तो छोड़ दो अगर फॉरेन से कोई कंपनी आ रही है दे कैन नॉट सेल द कार्स अनलेस दे फॉर्म अ होल्डिंग ऑन सब्सिडी और दे फॉर्म अ जॉइंट वेंचर ओके चलो देन इट सेज गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट बिजनेस पॉलिसीज टू ये नेक्स्ट पेज फॉर एग्जाम्पल हाउ डू दे इम्पैक्ट दे हैव एक्सप्लेन चलो देखते पेज फॉर to follow the policy of treating everyone with respect. कंपनी है वोल्वो एंड हर कंपनी का अपना एक पॉलिसी होता है सो दिस कंपनी follows

They have a policy to treat everyone with respect Sabko respect though Fir, ko, nothing is a barrier, neither gender nor the nationality, nor religion, nothing nothing okay. However, the gender equality policies are not similar in all countries. thus it becomes difficult to accomplish this aspiration. Iska example now why this Volvo example been given? Volvo? मल्टीनेशनल कंपनी है ठीक है इसने पॉलिसी बनाया कि ट्रीट एवरी वन विथ रिस्पेक्ट बट ये पॉलिसी ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगी क्या नहीं चलेगी क्योंकि हर कंट्री के पॉलिसीज आर नॉट द सेम द जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी इज नॉट सेम इन ऑल कंट्रीज सो दिस कैन नॉट गो हैव टू अडॉप्ट जहाँ पे जाएंगे वहां का पॉलिसी हमको अडॉप्ट करना होता है from the foregoing uh, introduction, one can infer the pervasive influence of government policies on domestic and global business. indeed, right from inception of the business to its longevity, health, performance, and growth, even its exit, one could imagine an overlay of government policies and the consequential regulatory regime on every aspect of a business functioning. स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंपनी कोई भी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो बिजनेस स्टार्ट कर से लेके उसको चलाने में इन शॉर्ट इसको ख़त्म करना है एग्जिट करना है बिजनेस क्लोज करना है दैट टाइम ऑल्सो वी आर अबाइड वी हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसीज ओके सो दस दे हैव एम्फोसिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज next we move on to the discussion 4.1.1 policy framework in India historical sketch Ab thoda history mein leke gaye tumko bhot din history dekke. right so here is ancient India bhot purana in India a lot of uh, discourses researches and experiments on public policies used to take place इन the एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ takshashila वैशाली एंड नालंदा प पढ़ा होगा history हिस्ट्री में कहीं ये हमारी फेमस लड़कियों के नाम नहीं है ये है यूनिवर्सिटीज़ के नाम जहाँ पे काफ़ी रिसर्च वर्क वगैरह होता था तक्षशिला वैशाली नालंदा डूरिंग द टाइम ऑफ एम देन हैव गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट एम्परर्स लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पर मौर्य

फिलोसॉफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैड नंबर ऑफ डिस्कोर्सिस ऑन पब्लिक पॉलिसी इन शॉर्ट इनका मोलना है कि हर दम से पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज है सेंटर यानी कि दे हैव बिन अ थिंक दैट गवर्नमेंट वुड गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस टू अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए आपको ड्यूरिंग अ टाइम वेन अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी Other hand, Gupta's defined various policies on taxes, trade and warfare. In Delhi Sultanate, Allah Din Kilji introduced a stringent tax reform, whereas during the time of Akbar the Great, land reforms were introduced under the leadership of Todarmal. In all the forms of governance, be it oligarchic, monarchy, aristocracy, tyranny, or democracy, public policies were formulated and implemented. Last line को ध्यान रख लो तो भी चलेगा कोई भी टाइप ऑफ रूलर हो एवरी टाइम द थिंग वॉज सिंपल दैट पब्लिक पॉलिसीज वर फॉर्मुलेटेड एंड वर इम्प्लीमेंटेड चलो बहुत पुराने जमाने में चले गए सब पुराने बड़े बड़े महारथियों को मिल के आ गए हम मूविंग अड ब्रिटिश रूल्स इंडिया अंडर द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द कोलोनियल रूल वर सो डिजाइंड एज टू बेनिफिट द फॉरन रूलर्स ये अंडर ब्रिटिश रूल सबको पता है हमको हिस्ट्री में पढ़ा है हमने कि ब्रिटिशर्स हैव डन दिस की जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो खुद के भलाई के लिए हाउ दे विल अर्न किस तरह से इंडिया का पैसा बाहर लेके जाना है यही उनका हरदम से सोच था सो दादा भाई नवरोजी थ्रू ही दिस इज यू माइट बी नोन दिस पर्सन वेरी फेमस ऑनरेबल दादा भाई नवरो जी थ्रू हिज सेमिनल वर्क पाव हिज बुक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रू अटेंशन टू द ट्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन टू ब्रिटेन इसको याद रखेंगे हम दादा भाई नवरो जी की कौन सी बुक है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया थोड़ा सा आ, ये एक दो लाइन्स है जो कि मैं अटेम्प्ट के लिए ऐड की गई है तो विल पे ड्यू एम्फोसिस टू दिस ठीक है ये याद रखना आपने दादा भाई नोरोजी का कौन सा बुक है Chalam. they introduced zamindari system to extract maximum revenue from the indian peasants. they introduced managing agency systems through which it was possible for a handful of the wealthy british to build and control vast industrial and business empires in india. they are talking about britishers. sometimes with the assistance from indian partners. the british government in india just fulfilled the duty of the police state, that is, the maintenance of इंटरनल ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द इंडियन बॉर्डर सारा काम खुद के भलाई के लिए किया हमारे लिए सिर्फ उन्होंने इतना किया कि दे हैव कीवन अस क्या बोल सकते हैं हम लोग कुछ मैनर्स uh, mm, तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाए एज वेल एज देव डन वन थिंग फॉर इंडिया दैट इज़ इंटरनल ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ इंडियन बॉर्डर यह उन्होंने पूरे एंड दैट इज़ ऑल्सो उनका ही भलाई था कि टू डिफेंड To keep the border safe, the policies indirectly curb the economic freedom of Indian people and politically we were subjugated, anyways. Okay, so that is under British rule. Hum, uh, we have discussed ki yes, ancient time may be policies, the, British may be definitely, uh, Britishers have their own policies, but uh, they have said that Britishers' policy they were self centered, they were made for British. Fayda. चलो सिंस इंडिपेंडेंस अब हमारा राजा गया भाई वी आर इंडिपेंडेंट नाउ क्या हुआ देखते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल इन 1947 फोर्टी द वे फॉर रीचार्टरिंग बिजनेस ग्रोथ इन इंडिया The fact that we came with the first industrial policy in the year 1948 आपको पता होगा शायद इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली कब आई इंडिया में दट वॉज इन जस्ट वन ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द अर्जेंट प्रायोरिटी द गवर्नमेंट अकॉर्डेड टू फ्यूलिंग इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इंडिपेंडेंस मिलते से ही गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल uh, पॉलिसी का सोचा दैट शोज देवर really uh, for, uh, ready to focus the industrial business and economic growth preamble to the constitution of india adopted in 50 conferred on people the economic freedom and recognized the right टू कैरी ऑन बिजनेस एंड ट्रेड एज अ फंडामेंटल राइट अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अब हमारा इंडिपेंडेंस वी आर नाउ इंडिपेंडेंट तो जो भी चीज़ें सोचना है इंडियन गवर्नमेंट ने सोचना है सो हाउ दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड पहला पॉइंट नाइनटीन फोर्टी एट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ गए दूसरा पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में They have conferred a right. You are aware. Right. Fundamental rights are given in our constitution. So the right they had given was to carry on business and trade. This is our fundamental right. Then we embarked upon economic planning. The first five year plan was launched in 51. 48, 49. 50 may constitution aya, 51 may. Uh, five year plan. First five year plan was launched in 1951. Okay, so the industrial policy resolution 56 was to usher in an era of direct ownership of government in business through departmental undertakings, statutory corporations, and government companies in the sectors. Private investment was either not able or willing. तीन पॉइंट लिख लिया ने क्या क्या लिखा फोर्टी एट का लिखा पचास का कॉन्स्टिट्यूशन पचास को अंडरलाइन कर लो फिफ्टी वन का लिख लिया पंचवार्षिक योजना पॉलिसी रेजोल्यूशन ये चौथा स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया ओके okay, एंड और एक चीज व्हाट वॉज दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्चुअली फोर्टी एट का एक हमने पढ़ा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके बाद क्या बोल सकते फोर्टी एट वाला जस्ट टू बिगिन था बट रेजोल्यूशन दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दे हैड गिवन मोर चेंजेस दे स्टार्टेड कि जितने भी फैक्ट्रीज होंगे जितने भी इंडस्ट्रीज़ होंगे दे वर इन दंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी शुरू किया कि Uh, maximum ownership of uh, business, ownership of companies, industries that will be in the hands of government, not in the private hands. See here, you will underline this. is arrow kar the 56 ko. Yeah, actually, full stop de do. And then read it as.

with dominated by public sector enterprises further setting up of industrial units was brought under the regulation of licenses

क्या हो रहा है या क्या था इंडिया में हाउ वॉज द केस सारा इंडस्ट्री सारे बड़े बड़े जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे पहली बात अगर आपको प्राइवेट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड टू हैव लाइसेंस सी हियर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वॉज ब्रॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ लाइसेंसेस यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है अगर मुझे प्राइवेट uh, कोई कंपनी स्टार्ट करना है से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज जिसमें स्टील का यूज होता है फॉर दैट आई नीड टू हैव अ लाइसेंस दैट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट यानी हर जगह इतना ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है होस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज़ व पुट इन प्लेस टू एंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया बहुत सारे होस्ट ऑफ इतने सारे लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल लॉस डालती है इसलिए तो वकीलों की डिमांड बढ़ गई uh, sometimes that went unnecessary. I still remember CS foundation mein when I was studying, सिर्फ study ke liye hamare ko twenty five labour laws we had to study, kitne sare labour laws and that was all unnecessary. Okay, so government ने क्या कर दिया? हर जगह खुद का control ध्यान रखो भी. अपन we conclude that, okay? Till ninety, ये सब चल रहा है. हर एक चीज़ अपने control में रखना ये government का. प्राइवेट लोगों पे भरोसा नहीं है तो हर एक चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में रखना है अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एंटरप्रेन्योर्स को आना है तो दे नीड टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आना नहीं चाहते क्योंकि इतने स्ट्रंजेंट इतने डिफिकल्ट इंडस्ट्रियल और लेबर लॉस डाल के रखे थे कि हर जगह से जो बिजनेस कर रहा है उसको ही वॉज नॉट प्रमोटेड एट ऑल सो दिस वॉज स्टिल थ्री डिकेड्स अराउंड थर्टी ईयर्स और वी कैन से टिल नाइनटीन नाइन्टी फिर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पैरा द नाइनटीन नाइंटीज टू बी प्रिसाइज नाइनटी वन फ्रॉम द ईयर नाइनटी वन दिस इयर मार्क्स द इमरजेंस ऑफ अरा ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया यहां पर फुल स्टॉप दे तो एन एरा द

स्टार्ट शाइनिंग, स्टार्ट शाइनिंग कैसे भाई क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज वो पॉलिसी सो दिस नाइनटी वन ईयर इज द कॉल्ड एज द इमरजेंस ऑफ न्यू एयर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज को चेंज कर दिया याद रखना है अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में नाइनटी वन इज कॉल्ड एज दिस ईयर इज कॉल्ड एज द इमरजेंस ऑफ न्यू एयरा ऑफ इकोनॉमिक Policies. Q because this brought three things liberalization, privatization, and globalization. These three we concept we will have a discussion later on. Okay. Taken together, the economic policies represent a departure from the policy regime based on economic planning towards what is known as non-liberal economic thought that placed greater emphasis on the private मार्केट मेकनिज्म फॉर एड्रेसिंग द प्री वैलेंट सोशल प्रॉब्लम्स येस व्हाट दे हैड सेड ये जो तीन चीज़ें आ गई एल बोलते हैं हम इसको लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पिक्चर बदल गया इंटरवल के बाद पिक्चर बदल गया पिक्चर कब से शुरू हुआ 1947 से इंटरवल कब हुआ 90 में और जैसे ही इंटरवल के बाद में हीरो एकदम फॉर्म में आ गया हीरो इज़ आवर गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट केम इन टू फॉर्म नया नया पॉलिसी चेंज कर लिया चलो जो जो कंपनीज़

प्राइवेटाइजेशन व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन हर एक चीज़ जैसे नाइन्टी तक चल रहा था नाइन्टीज तक चल रहा था सब चीज़ें किसके कंट्रोल में थी गवर्नमेंट के नाउ दे स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे छूट के किसके हाथ में आएगा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आएगा दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड वॉट इज़ ग्लोबलाइजेशन वी नो द कॉमन थिंग दैट नाउ अर्थ इज़ अ ग्लोबल विलेज ये सब कहाँ कब से हो गया शुरू हुआ 91 से इंडिया के लिए ओके दैट मीनस नाउ फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑल दैट स्टार्टेड ओके सो दैट इज द थ्री थिंग्स लिबरलाइजेशन थॉट से गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि लिबरलाइज कर दो हर चीज को फ्री कर दो भाई इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए दैट्स लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कंट्रोल छूट रहा है एंड ग्लोबलाइजेशन फ्री इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ओके चलो कैरेक्ट कैरेक्टरिस्टिकलीज ऑलमोस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉलिसी रिज सिंस फिफ्टीज यस बोला ना इंटरवल कहां हुई अपनी फिफ्टी नाइनटीज uh, में चलो टेबल दिया आपको बहुत अच्छा टेबल है दिस टेबल इज ऑल्सो एडिशन फॉर मई बैच पहले ये नहीं था ओके okay? चलो पॉलिसीज ऑफ द फिफ्टीज एंड नाइंटीज देखो जहां जहां कुछ नया एडिशन दिख रहा है अपने को थोड़ा करना पड़ता है एग्जाम नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी विद डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर ओके इसको पॉलिसी रिजिम ऑफ मिड फिफ्टीज सिंस नाइनटीज एक काम कर सकते हैं हम इसको ऐसा भी विकनाड 1947 से 1990 ठीक है और ये 1991 एंड ऑनवर्ड्स ऐसे डाल दो या सिंस नाइन्टीज भी ठीक है ठीक है लिख लेना अपने पास अपने को चलो तो अब मैं बोलूँगी 90 के पहले और 90 के बाद में ठीक है सो so, नाइंटीज के पहले वी हैड मिक्सड इकोनॉमी विथ डॉमिनेंट पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मेन हीरोनॉमी है हम अभी भी मिक्सड पाथ uh, ही फॉलो करते हैं बट वी फॉलो कैपिटलिस्ट यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा रहेगा और फ्री इकोनॉमिक डिसीजन वर अलाउड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डॉमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्न इकोनॉमिक प्लानिंग हर चीज हर डिसीजन इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत लिया जाता था प्री नाइंटीजीज मार्केट मेके मार्केट पे ड्रिवन डिसीजन टेकन ओपननेस ओरियंटेशन कितना ओपन था हमारा इकोनॉमी Pre 90s it was a closed closed economic policies. Post 90s open economic policies towards globalization. Then role of government in business acquiring commanding heights through public sector undertakings. pehle kya tha Government को लगा कि वे बहुत अच्छा हम इंडिया को डेवलप कर पाएंगे थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा था. But ऐसा नहीं हुआ. इसीलिए post 90s they had to change the policies. चलो पोस्ट नाइन देखते हैं स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड स्टेट ओनरशिप स्टेट के वहां पे आप लिख लो गवर्नमेंट व्हाट इट मींस गवर्नमेंट ओनरशिप एक्सेप्शन यानी कि कहीं कहीं ही ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ओनरशिप है हर जगह वी फाइंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के जितने भी कंपनीज़ हैं, उसको क्या कर दिया है प्राइवेटाइजेशन रोल ऑफ गवर्नमेंट मतलब किस तरह से कंट्रोल करती थी सो अर्यर इट वाज़ रेगुलेशन एंड कंट्रोल नाउ लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ओके नाउलेट सी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चलो it's important to understand that the economic policies are not drawn in are not drawn in closed chambers rather these do and must reflect the prevalent and emerging social demographic political and ecological realities of the nation yes that's true economic policies are not drawn in closed chambers jab government policy banate hain definitely they need to consider every aspect पब्लिक की क्या डिमांड्स है हम ये पॉलिसी लेंगे तो आ, बोलते ना हम कॉमन मैन कॉमन मैन पे क्या असर गिरेगा इंडस्ट्रीज पे क्या असर गिरेगा दस बारह बहुत सारे फैक्टर्स दे हैव टू कंसिडर एंड देन आफ्टर दे हैव टू प्रिपेयर द पॉलिसीज दैट्स वाइट दे हैव टू इट मस्ट रिफ्लेक्ट प्रीवैलेंट इमरजिंग सोशल डेमोग्राफिक पोलिटिकल इकोनॉमिक रियालिटीज of course these are not changed frequently so as to throw the system in a vortex of instability definitely government policies itne aasani se nahi badal sakte hain aur badal badalna ye that is the sign of uh, poor government rather okay to तो jo मतलब पता है ना तुमको जो ministers रहते हैं उनके जो uh, committees uh, बनते हैं दे फाइंड एक्सपर्ट्स देयर और पता है आपको फाइनेंस कमिटी में जितने भी जनरली लोग होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओके तो तुम्हारे जैसे नॉलेजेबल लोग जो होते हैं दे एडवाइज द गवर्नमेंट सो ऑफ कोर्स एक बार पॉलिसी फ्रेम करना फिर उसको चेंज करना नॉट टू बी डन

something addition by for you people for my attempts engage in a conversation with your parents and grandparents on how the economic life was during their times the changes they have witnessed and generate the evidence in respect of the following life phenomena jab kabi activity karna ki 70s me life the 90s me life okay you can ask your grandparents and that will

चार्ट पे आ जाओ फर्स्ट पेज पे वी द ब्रिटिश रूल्स एंड देन इंडिपेंडेंस के बाद वी इसको ले लो यहाँ पे लिख दो एलपीजी पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ओके तो आज हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस एंड ऑल वी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर Chalo. See you then. This is me signing off for now. Sayonara.